डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। उसने माँ के किए 1000 टुकड़े। 15 दिनों तक फ्रिज में पड़ी रही माँ की लाश। बेटा जो कुत्तों को नाश्ते में खिलाता माँ की हड्डियां। स्पेन से आई माँ और बेटी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसी हंसते और मासूम चेहरे ने सालों तक दुनिया से अपने अंदर के शैतान को छिपाए रखा। हैवानियत से भरी इस कहानी के मेन किरदार को निभाने वाले नरभक्षी बेटे का नाम अल्बर्टो सांचेज गोमेज है। पेशे से वेटर का काम करने वाले अल्बर्टो के दिमाग में ऐसी सनक जागी कि उसने अपनी ही माँ की हत्या कर दी। आदमखोर बन चुके अल्बर्टो की हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं हुई। 9 महीने तक जिस माँ ने अल्बर्टो को सींचा, अब वही बेटा माँ के कई टुकड़े कर फ्रिज में रखने लगा। फ्रिज छोटा था, इसलिए अल्बर्टो ने माँ के एक दो नहीं बल्कि बड़ी ही बेरहमी से 1000 से ज्यादा टुकड़े कर डाले। 15 दिनों तक अल्बर्टो उसी फ्रिज में जहाँ एक तरफ खाने की लजीज चीजें रखता तो 7000 टुकड़ों में कटी माँ भी उसी फ्रिज में बंद डिब्बों में पड़ी रही। बेटा बगल के कमरे में सोता, लेकिन एक बार भी उसका दिल अपनी माँ के लिए नहीं पसीजा। हद तो तब पार हो गई जब भूख लगने पर अल्बर्टो अपनी माँ के मांस को पकाकर खाने लगा। खुद तो खाता ही और घर पर रह रहे अपने पालतू कुत्ते को भी बड़े चाव से माँ की बोटी बोटी कटी हुई लाश को परोसता। अल्बर्टो के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। नरभक्षी बन बैठे बेटे ने सोचा कि उसकी माँ की खबर लेने वाला कोई नहीं। लेकिन इसी बीच अल्बर्टो की माँ के दोस्तों को उनकी फिक्र हुई। उन्होंने कई हफ्तों से अल्बर्टो की माँ को देखा नहीं था। घर पर कोई खोज खबर लेने जाता तो अल्बर्टो उन्हें डांट कर भगा देता। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तब जाकर कहीं ये मामला सामने आ सका। अदालत में सुनवाई हुई तो इस खूंखार सनकी बेटे ने माँ की हत्या की बात तो कबूली, लेकिन हत्या के पीछे का कारण उसने यह कहकर टाल दिया कि उसे याद नहीं कि उसने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया था। कोर्ट ने अल्बर्टो को इस जघन्य अपराध के लिए सिर्फ 15 साल और 5 महीने की सजा मुकर्रर की। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।